also do this, also here we correct. In a thick cloth bag, एक मोटा कपड़े का बैग, put some similar items as different pens, pencils, sketch pens, it. एक मोटा कपड़े का बैग लेना है और उसके अंदर क्या करना है, सिमिलर आइटम्स डालने हैं, मतलब सेम चीजें डालनी हैं जो सेम दिखती हो बट अलग अलग हो, जैसे डिफरेंट पेन हो जाएंगे, अलग अलग पेन, पेंसिल है, स्केच पेन है, ये सब एक ही शेप में होते हैं बस कुछ अलग होते हैं. ओके, आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू पुट हिज हैंड इन द बैग. और फिर क्या करना है, अपने फ्रेंड को एक एक चीज का उसके हाथ में, बैग के अंदर से वो अपने हाथ में लेगा और एंड आइडेंटिफाई एन आइटम विथ हिज आईज क्लोज. फिर क्या करना है कि एक एक चीज को हाथ में लेकर आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है, बट आइज क्या होगी, क्लोज होगी, आइज जो है वो क्लोज होगी, आंखें बंद करके आपको पहचानना है. वन बाय वन, एक एक करके यू ऑल ट्राई टू आइडेंटिफाई ईच आइटम. आपको क्या करना है, एक मोटा कपड़े का बैग लेना है जो थिक क्लॉथ होना चाहिए और उसमें सिमिलर थिंग्स डालनी है, पेन, पेंसिल, स्केच पेन, ऐसे सिमिलर थिंग्स हो सकती है, कोई भी हो सकता है, बाउल, प्लेट, ये भी आप ले सकते हो जो लगभग सिमिलर होती है. ओके, फिर क्या करना है, अपनी फ्रेंड को या आप खुद उस बैग में चीज़ें डालकर फिर एक एक चीज़ों को निकाल कर आइस को क्लोज कर देना है, आइस पे पट्टी लगा देनी है, आँखें बंद कर देनी है, देखना नहीं है और फिर उन थिंग्स को आपको आइडेंटिफाई करना है, एक एक करके आपको पहचानना है, पहचानने की कोशिश करनी है सभी को, है ना, आपके फ्रेंड और आपको सभी को. ओके, तो आप करके देखना. डिस्कस एंड टेल हाउ डिड यू ऑल आइडेंटिफाई दोज आइटम. अब डिस्कस करना है, अब बताना है कि आपने सभी आइटम्स को कैसे पहचाना. ओके, कैसे पहचाना होगा, टच करके ही पहचाना होगा, देख तो नहीं सकते थे, आइस क्लोज थी तो हमने उन आइटम्स को छू कर हमने पहचाना, उनको टच करके हमने पहचाना. यू माइट हैव आइडेंटिफाइड द आइटम्स बाय टचिंग देम. हमने उस आइटम को, उस थिंग्स को हमने टच करके हमने पहचाना. दोज ऑफ आवर कंपेनियंस हु आर अनेबल टू सी. और हमारे साथी, कंपेनियंस मीन्स होता है हमारे साथी, क्या होता है साथी, जो हमारे फ्रेंड जो हैं, वह जो नहीं देख सकते, जो नहीं देख सकते. ए पर्सन हु आर अनेबल टू सी इज कॉल्ड ब्लाइंड पर्सन. जो नहीं देख सकते उन्हें हम क्या बोलेंगे, ब्लाइंड. ओके, आइडेंटिफाई अल्फाबेट्स बाय टचिंग देम विथ द हेल्प ऑफ अ पर्टिकुलर सिस्टम. हमारे जो साथी हैं जो नहीं देख सकते हैं, ब्लाइंड पर्सन जो होते हैं, वह आइडेंटिफाई करते हैं कि अल्फाबेट को टच करके पहचानते हैं और उनकी जो हेल्प है वो कौन करता है, एक पर्टिकुलर सिस्टम होता है. जैसे हमारे, हम आंखों से देख के पहचानते हैं कि ये ए है, ये बी है ना, इस टाइप से. तो उनके लिए भी कुछ एक सिस्टम बना हुआ है जो, जिससे वो पहचानते हैं कि ये अल्फ़ाबेट का ए है,
और ये अल्फाबेट का बी है, ओके। ये उनके पर्टिकुलर सिस्टम होता है, ये उनकी हेल्प करता है। दिस सिस्टम इज कॉल्ड ब्रेल सिस्टम। उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? ब्रेल सिस्टम और ब्रेल लैंग्वेज। ब्रेल सिस्टम बोलते हैं और उसको ब्रेल लैंग्वेज कहते हैं। ब्रेल लैंग्वेज जिसको क्या करते हैं? टच करके पहचानते हैं, टच करके लेटर को पहचानते हैं, ओके। तो ये सिस्टम जो है वो ब्रेल सिस्टम होता है, ब्रेल लैंग्वेज भी हम उसको बोल सकते हैं, जो एक पर्टिकुलर सिस्टम होता है। किनके लिए? जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं उनके लिए, ओके। डू यू नो, क्या आप जानते हो? हेलन एडमर्स कैलर वाज एन अमेरिकन ऑथर। हेलन एडमर्स कैलर जो है, जो महिला जो है, वो एक अमेरिकन ऑथर थी, अमेरिका की लेखिका थी। पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड लेक्चर। वह राजनीतिक और लेक्चरर जो कॉलेज के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, वह पढ़ाती थी कॉलेज के स्टूडेंट्स को, और राजनीतिक भी थी, राजनीति में भी वो भाग लेती थी। सी वाज द फर्स्ट डिफ ब्लाइंड पर्सन टू अर्न अ बैचलर ऑफ आर्ट डिग्री। वह एक पहली फर्स्ट लेडी थी जो डिफ एंड ब्लाइंड। डिफ का मीन मैंने बताया है, डिफ का मीन क्या होगा? वह सुन नहीं सकती थी, बहरा, सुन भी नहीं सकती थी, एंड ब्लाइंड, अंधा, देख भी नहीं सकती थी। हेलन केलर नाम की एक ऑथर थी, अमेरिकन ऑथर थी, जो फर्स्ट ऐसी लेडी थी जो डिफ एंड डम पर्सन थी, डिफ एंड ब्लाइंड, ओके। और उन्होंने क्या की थी? बैचलर ऑफ आर्ट डिग्री, और उन्होंने ये बैचलर ऑफ आर्ट की डिग्री की थी उन्होंने। कम लेट नो अबाउट ब्रेल स्क्रिप्ट लैंग्वेज सिस्टम। अब ये ब्रेल स्क्रिप्ट क्या होता है, ब्रेल लैंग्वेज क्या होती है? सो चिल्ड्रन, यू कैन सी ए, अल्फाबेट का ए लिखा हुआ है, एंड 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 6 डॉट बने हुए, 6 डॉट बने हुए और अल्फाबेट का ए लिखा हुआ है। और इन 6 डॉट में से 1 डॉट जो है वो बड़ा बना हुआ है, बिग बना हुआ है ना। तो ये जो डॉट है ये कैसा है? ये ऊपर की तरफ उभरा हुआ है, ऊपर की तरफ, थोड़ा ऊपर की तरफ उभरा हुआ है। एंड सेकेंड लेटर बी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें भी 6 डॉट बने हुए हैं। और इसमें जो 2 डॉट्स हैं वह क्या है? उभरे हुए हैं, वह भी ऊपर की तरफ आए हुए हैं, ओके। इस तरफ से ये अल्फाबेट के सारे लेटर्स दे रखे हैं, इसको हम ब्रेल लैंग्वेज सिस्टम बोलते हैं। यही ब्रेल लैंग्वेज सिस्टम होता है, और ये किन के लिए होता है? ब्लाइंड पर्सन के लिए, जो नहीं देख सकते उनके लिए। तो वो क्या करते हैं? इनको टच करते हैं ऐसे, ये इनको टच करते हैं, तो ये जो उभरे हुए होते हैं, एक उभरा हुआ है मीन वो समझेंगे कि अल्फाबेट का ए है, 2 डॉट उभरे हुए तो मीन बी है, 2 ऐसे ऐसे सीक्वेंस में, और 2 इस सीक्वेंस में होंगे तो मीन सी है। इस तरह से वो अपनी लैंग्वेज को आइडेंटिफाई करते हैं, अल्फ़ाबेट को ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं, और वो अपनी स्टडी करते हैं, ओके। सो आई स्टॉप हियर, इससे आगे हम कल पढ़ेंगे, ओके। टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक यू।